दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा के संदर्भ में आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है ऑफिशियल कट ऑफ। अगर देखा जाए जब से आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के बाद फाइनली अगर बात करें हम तो आप सभी के कमेंट आ रहे हैं एग्ज़ाम क्या आपकी जो अभी हाल ही में रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई है। हालांकि एग्ज़ाम के पहले तो आपके कमेंट कट ऑफ पर आ रहे थे तो हमने कट ऑफ का निर्धारण आपके बीच में किया था, लेकिन फाइनली जब आपके रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई तो रिवाइज्ड आंसर की के बाद आप कट ऑफ का जो है लगातार मांग कर रहे थे। तो हमने कट ऑफ फिलहाल के लिए आपके बीच में प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन फिर भी आपकी विशेष मांग पर यह वीडियो जा रहा है कि फाइनली आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है। यहाँ देख भी पा रहे हो ऑफिशियल कट ऑफ और यहाँ नीचे जनरल ओबीसी एससी फीमेल सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, यानी हम आपके बीच में ये जो ऑफिशियल कट ऑफ है कैटेगरी वाइज निर्धारण करने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन। हालांकि आपके ये भी कमेंट आते हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन में कौन से शिफ्ट का ज़्यादातर फ़ायदा होने वाला है। जो है आपको पता है 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। आप पूछते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर हमें कब तक मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के मामले पर आपके कमेंट आते हैं, फाइनल रिजल्ट व सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आपके बीच में बात करते हैं ऑफिशियल कट ऑफ पर। देखिए हालांकि अगर देखा जाए मैंने कट ऑफ अभी हाल ही में मैंने तुरंत आपको बताया कि आपकी जो कट ऑफ है उसका निर्धारण मैंने आपको पहले ही कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके विशेष मार्ग पर यह वीडियो जा रहा है। सबसे पहले हम जनरल की कट ऑफ अगर बताएँ तो 206 से 208 आपकी कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की हम बात करें तो 201 से 204 आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और वहीं एससी की हम बात करें तो एससी की कट ऑफ लगभग 195 से 199 रहने वाली है। और गर्ल की कट ऑफ यानी फीमेल की हम बात करें तो 179 से लगभग 182 आपकी रहेगी, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे हम बात करें सर्विस मैन की, जो है एसएम की बात करें तो लगभग 175 से 178 रह सकती है। और नीचे फ्रीडम फाइटर की अगर हम बात करें तो फ्रीडम फाइटर की जो कट ऑफ है वो 196 से 199 रहने के प्रबल चांसेस कहे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कट ऑफ। अब ये कट ऑफ का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है ध्यान दीजिएगा। 4 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे, चारों शिफ्ट में कितने एफएम मिल रहे हैं, कितने क्वेश्चन पर करेक्शन हुआ है, मैंने इस चीज़ का निर्धारण पहले ही कर दिया है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ का निर्धारण भी किया है। आप कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट का फ़ायदा होगा, तो ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर चांस कहा जा रहा है 27 तारीख के जो है सेकेंड शिफ्ट का ज़्यादातर फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए। हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट का। देखिए जहाँ तक ये चांसेस कहे जा रहे हैं, ऐसी सूचनाएँ मिल रही हैं कि वीडियो री एग्जाम के रिजल्ट पर यूपी ट्रिपल एससी आयोग में लगातार काम चल रहा है, लेकिन फिर भी एक चांस कहा जा रहा है कि 15 नवंबर के आसपास में, 15 नवंबर के तो पहले एक भी परसेंट चांसेस नहीं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो 15 नवंबर के बाद ही आएगा, उसके पहले एक भी परसेंट चांसेस नहीं है, एकदम ये कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अगर 15 नवंबर तक हमारा रिजल्ट आ जाता है, सपोज दैट की मैं बात करूं, तो फाइनली सिलेक्शन प्रोसेस यानी ज्वाइनिंग हमारी कब तक मिल जाएगी। तो अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो ये चांस कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले, वैसे चांस का मतलब लगभग 99% ये क्लियर है कि चुनाव से पहले पूरी तरह से इसकी ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि भर्ती बहुत पहले से ये लटकी हुई है, लोग कोर्ट जाने की भी बातें कर रहे थे, तो फिलहाल के लिए ये सब चांसेस नहीं है। और मैं निवेदन भी आपसे करूंगा कि प्लीज़ आप कोर्ट का रुख अगर अपनाएंगे भैया तो भर्ती आपकी फंस जाएगी, इसलिए कतई ये काम ना करिएगा। अगर आपकी भर्ती अच्छी खासी जैसे वर्तमान समय में चल रही है अगर इसी तरह से चलती रहे तो फाइनली चुनाव से पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो मैंने कट ऑफ का निर्धारण आपसे कर ही दिया कि आप उसी कट ऑफ के अगर इर्द गिर्द में हैं तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर वही रहेगा। AWS के प्रावधान पर हम बात करें, हालांकि इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2018 के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था। AWS का मामला जहां तक चांस है ये लागू नहीं होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 100% लागू होगी, ये प्रबल सत्य है। चूंकि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी शिफ्ट कठिन है, इस पर डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो जितने चाहे चार शिफ्ट में कोई कितने भी अभ्यर्थी क्यों न रहे हों, सभी को एक समान देखा जाता है। इसलिए पूरे के पूरे चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, AWS का प्रावधान कम चांस है कि ये लागू हो जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।